हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट ह्यूमन की नई वीडियो में। तो आज नवरात्रि के दूसरे दिन हम जा रहे हैं गंगोली हाट, पाताल भुवनेश्वर और हाट काली का मंदिर। और इस खूबसूरत के नज़ारे के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको दिखाते हैं आगे के व्यूज। तो दोस्तों, एक कॉम्पिटिशन यहाँ पे हो रहा है, हम इतने लोग हैं और हमारा हाथ में पत्थर है, जो ज़्यादा दूर फेंकेगा वो जीतेगा। और इसका सबसे दूर गया ना, 1, 2, 3। तो अभी जा ही रहे, जा ही रहे। चलो मेरे का बहुत हो गया। अच्छा, गोविंद फेंक रहा है, कैमरे में तो आ नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया है, दिखता उधर पहाड़ में। अबे आ गया, आ गया, गया। समझ आ गया, यही पे गिरा, मिल गया। लेट्स गो। ये नदी इन्हीं के गांव से थी, ये इनका भी यहीं गिरा, ये यहीं भी गिरा। ये तो पानी दिखाओ, मुझसे जीत थी। लास्ट ने लक्कुदा देखा नहीं। लखुदा वो ये मेरे से ही पीछे पत्थरों में बाद गिर गए। तो दोस्तों, हम घाट से निकल के पहुँचे हैं अभी इस खूबसूरत से पुल में और यहाँ पे है ये स्वागत द्वार। और गंगोली हाट यहाँ से है 45 किलोमीटर। तो गंगोली हाट पहुँचेंगे हम अभी, फिर वहाँ से हमें 15 किलोमीटर आगे जाना है पाताल भुवनेश्वर। तो ले चलते हैं आपको भी, चलिए। वो देख सकते हैं पंचाचुली की पीक्स, इतनी अच्छी दिख रही है, बादल से घिरी हुई है और क्या ही नज़ारा आ रहा है। तो आगे मिलते हैं आपको मंदिर पे ही, तो ले चलते हैं। तो दोस्तों, पहुंच गए हैं मंदिर में और चलते हैं अंदर को और दिखाते हैं आपको अंदर। तो देखिए इन बंदरों को कैसे अच्छा लग रहा है। आइए दोस्तों, ये है मेन एंट्रेंस और फूल लाए हैं, प्रसादी लाए हैं, चढ़ाते हैं, आइए। तो दोस्तों, यहाँ आते ही मुझे एक अलग सा सुकून मिल रहा है, मैं आपको ऐसे बता तो नहीं सकता जैसा मुझे लग रहा है। और अलग सा सुकून भगवान के दरबार में आते ही मिलता है और हाट कालिका मंदिर में आते तो मुझे कुछ अलग सा ही सुकून मिल रहा है। और बाकी आपको भी दिखाते रहेंगे हम आगे को। तो दोस्तों, हम यहाँ पे हाट कालिका पहुँच चुके हैं। अगर थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँ तो प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गुरु शंकराचार्य ने महाकाली माता का यह शक्तिपीठ कुमाऊं मंडल में भ्रमण करते हुए स्थापित किया था। तो दोस्तों, अब चलते हैं पाताल भुवनेश्वर की ओर। मित्रों, तो दोस्तों, पार्टी का अजीब सा लगा, मैंने खुद लगाया है पर ठीक है। और मैं आपको कैसे बताऊं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से निकलते हुए। और ज़रूर आएंगे, जल्दी आएंगे माता रानी के मंदिर में। तो दोस्तों, खाना आ गया है और अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, देख सकते हैं क्या है इसमें। अभी ये पलिया है और ये चने और इसकी दाल है और ये देख सकते हैं आप चटनी। दिनेश कैसा हो रहा है? खा पी। तो हेलो दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं पाताल भुवनेश्वर में और 15 किलोमीटर ट्रैवल किया हमने हाट कालिका से। और अभी हमारा प्लान ये है कि हम गुफा के अंदर जाएंगे, देखते हैं परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है, वो तो आगे जाके देखेंगे हम। दोस्तों, जहाँ से हम अंदर गुफा में गए थे वो दिखाते हैं आपको ज़रा। चल अंदर, अंदर आ जाओ भाई। तो ये है पाताल भुवनेश्वर की गुफा, बहुत अच्छी है यार, माननीय है बहुत ज़्यादा। और अंदर जाके हमें भी बहुत ही अच्छा लगा, बाकी चलते आए। तो दोस्तों, मंदिर से हम निकल चुके थे, थोड़ा ऊपर आए हैं अभी और यहाँ पे हम पहुँचे चाय वाले, यहाँ पे बुबू बना रहे हैं चाय, जलेबी है, चाय है। देखो बुबू कितने अच्छे लग रहे हैं, बुबू ऐसी तुम्हारे भी इतना अच्छा प्रतीत हो रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है बुबू को देख के। बाकी जो ये वीडियो है यहीं पे एंड करेंगे हम लोग, सीधे निकलेंगे पिथौरागढ़ को, ठंडा भी हो गया है तो सब पैक वगैरह होंगे हम अभी। तो कैसी लगी वीडियो बताना कमेंट सेक्शन में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।